बारहवें अध्याय के बारहवें श्लोक की बात चल रही थी, यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, श्रेयो ज्ञान बपैसा ज्ञाना ध्यान विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्याग त्यागा शांति अनंतरम। अविवेक से अभ्यास की अपेक्षा ज्ञानी अर्थात शब्द और युक्ति के द्वारा आत्मनिश्चय रूप परोक्ष ज्ञान से, यह हमें याद रखना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, पर अविवेक से विवेक पूर्वक जो अभ्यास नहीं किया गया है, मैकेनिकली किया गया है, उस अभ्यास की अपेक्षा यह जो आत्मनिश्चय रूप परोक्ष ज्ञान है वह श्रेष्ठ है। परंतु उस परोक्ष ज्ञान से यदि ध्यासन विशेष श्रेष्ठ है, फिर ध्यान की अपेक्षा कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल के त्याग के बाद ही शांति या मुक्ति मिलती है। तो कहने का मतलब यहां पर जब कहा था भगवान ने ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करो, ये भी नहीं हो सकता है तो फिर कर्म फल के त्याग कर दो, तो उससे ऐसा हमको एक इस प्रकार की धारणा हमारे मन में होती है कि कर्म फल का त्याग और निकृष्ट साधना है, इसीलिए उसको हमारे मन में उस गलत फहमी को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से यही कहते हैं कि नहीं, कर्म फल का त्याग है वह श्रेष्ठ मार्ग इसलिए है, उसे न केवल मुक्ति मिलती है पर शांति मिलती है। यह जो मन की शांति, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो शांति कर्म फल के त्याग के बाद मिलती है, ये हम देख सकते हैं कि जितने अधिकांश लोग अभी टेंशन सब जगह स्ट्रेस मैनेजमेंट के इतने सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चारों ओर हो रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, विद्यार्थियों को बड़ा टेंशन होता है, खास करके परीक्षा के समय में तो वॉच रखना पड़ता है कि भाई नदी के किनारे पुलिस को लगाना पड़ता है कहीं आत्महत्या ना कर ले, या और भी बहुत प्रकार के इलाज करने पड़ते हैं, विशेष प्रकार के आत्महत्या के निवारण के उपाय करने पड़ते हैं ताकि टेंशन में आकर के आत्महत्या ना कर ले स्टूडेंट्स परीक्षा के सीजन में। उसी प्रकार से बिजनेसमैन, ये भी जब उनको घाटा होता है तो ये भी टेंशन में आते हैं, कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं, तो इनके भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम चलते हैं। ये सभी उसके मूल में भी हम जाते हैं, मूल में यही बात है कि कर्म फल के त्याग, कर्म फल का त्याग वो नहीं कर पा रहे हैं। सब समय टेंशन है 98% मिलेगा कि नहीं, ये जो फल का फल के लिए जो टेंशन है, एक ही बात का टेंशन, हमको फल मिलेगा या नहीं, अच्छा फल मिलेगा या नहीं, बिजनेस को ये टेंशन है कि हमको ठीक से प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, स्टूडेंट को ये, विद्यार्थी को यह टेंशन है कि उसको जितना चाहिए उस प्रकार का परसेंटेज मिलेगा या नहीं, जो होशियार विद्यार्थी है उनको कोई टेंशन नहीं, उनको केवल पास होने का ही है, वो तो बोले नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं अगले बार हो जाएंगे, इनको टेंशन ये सब जो बहुत ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको ज्यादा टेंशन है, तो इनको टेंशन है कि ये भी 98% नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। फल का त्याग नहीं कर पाते, कर्म फल का त्याग यदि कर दें तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा, क्यों, टेंशन दूर हो जाएगी। इसकी विस्तृत चर्चा में द्वितीय अध्याय में कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु माते संगोस्तो कर्मणि, इस श्लोक की चर्चा करते समय हमने विस्तार से इसकी चर्चा की है। परंतु यहाँ पर मानो भगवान श्री कृष्ण बारह फिर से एक रिमाइंडर देते हैं, कर्म फल का त्याग तुरंत शांति देता है, मुक्ति तो देता ही है। और फिर प्रभु यहाँ पर भक्ति मार्ग के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, यहां तक कि यदि कोई ये समझे कि हमने इतना तीर्थ स्थान में, इतने तीर्थ स्थान में गए, हमने इतने जप किए, हमने इतना ध्यान दिया, हमने इतने 56 भोग कराए, तो हमको तुरंत भगवान का लाभ क्यों नहीं हो रहा है, यह जो मन में अशांति या जो अपेक्षा, इसको भी दूर रखना है।
माँ शारदा देवी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा जानती थी, तो सारे वो तो उनके बहुत सारे रोल थे, वो गुरु भी थी, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी था पूरे रामकृष्ण मठ मिशन इंटरनेशनल संस्था का, फिर उनको डिक्टेशन देना पड़ता था, तो उनका ये टाइम मैनेजमेंट के कारण करती थी। जब सब्जी काटती थी तो सब्जी काटते समय वो ब्रह्मचारी को बोलती थी, वो पत्र पढ़ते थे और उस समय वो उनका डिक्टेशन दे देती थी, उस अनुसार पत्रों का उत्तर दिया जाता। डबल काम हो रहा है, मल्टीपल टास्क, मल्टीटास्किंग तो माँ शारदा देवी ने उस समय के जमाने से सिखाया। आजकल सब लोग मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट में मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, माँ शारदा देवी उस समय करके बताया। तो सब्जी काट रही है, इधर पत्र पढ़ रहा है ब्रह्मचारी, उसका उत्तर दे रही, डिक्टेशन दे रही, क्या उत्तर देंगे। ब्रह्मचारी ने पत्र पढ़ के सुनाया कि एक साधक ने, एक साधु ने ऋषिकेश से लिखा है पत्र कि माँ इतने समय से मैं कठोर तपस्या कर रहा हूँ, इतना मंत्र जाप कर रहा हूँ, पर ठाकुर का तो दर्शन तो हो नहीं रहा है। माँ सब्जी काट रही थी, सब्जी काटने छोड़ करके बोले लिख दे तो उसको, जल्दी से लिख। बोले ठाकुर कोई सब्जी नहीं है जो तू बाजार में खरीद लेगा, इतना जप किया तो तू ठाकुर को खरीद लेगा, जब उनकी इच्छा होगी वे दर्शन देंगे। तुम साधु हुए हो, तुम्हारा काम है भगवान का नाम लेना, तुम भगवान का नाम लेते रहो, रिजल्ट की ओर हल्के और जो दिखना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, वो उनकी इच्छा पर है। तुमने क्योंकि तुमने इतना जप किया, तुमने खरीद नहीं लिया है भगवान को, तो भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है। उनकी इच्छा होगी तब वे दर्शन देंगे, पर तुम्हारा काम है, तुम्हारा कर्तव्य कर्म तुम करो। तो यह मानो ये जो फल की आकांक्षा, तो मैंने इतना काम किया, इतना जप किया, इतना धर्म का इतना दान दिया, फिर भी मुझे भगवान नहीं मिले या भगवान की भक्ति ये नहीं मिला, भगवान का दर्शन हुआ, यह भी नहीं होना चाहिए। ये भी सूक्ष्म रूप से भी ये जो फल का त्याग, व्याकुलता होना एक अलग बात है, भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल होना तो बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छी बात है, पर ये मन में कैलकुलेशन, पटवारी बुद्धि जिसको श्री रामकृष्ण कहते थे, बिजनेसमैन की बुद्धि, पटवारी बुद्धि, कि मैंने इतना जप किया तो भगवान को इतना देना चाहिए, मैंने इतना ये किया तो भगवान को ये देना चाहिए, ये जो फल की आकांक्षा, ये बाधक है साधक के जीवन। तो इसलिए भक्ति के संदर्भ में यहां पर भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन को कहते हैं कर्म फल का त्याग ये श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि न केवल उससे मुक्ति मिलती है बल्कि शांति भी मिलती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सह दुख सुख क्षमी संतुष्ट सतत योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मोहन बुद्धि योग भक्त समय प्रिय। समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, मित्र भाव युक्त, दयालु, ममत्व बुद्धि रहित और अहंकार शून्य, सुख और दुख में संभावापन्न, क्षमाशील, सदा संतुष्ट, एकाग्रचित, संयत, दृढ़ विश्वासी, मुझ में मन और बुद्धि को सौंपने वाला जो मेरा भक्त है वो मेरा प्रिय है। तो कैसा भक्त मुझे प्रिय है, इतनी सारी उन्होंने लक्षण बताए भगवान ने। तो इसकी भी चर्चा हमने की थी कि हाँ, लाभ रानी में सदा प्रसन्न रहता है जो व्यक्ति। तो इसकी विस्तृत चर्चा हमने की कि जो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे लॉन्ग फेसेस डू नॉट मेक रिलीजन, धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि एक गंभीर हो जाना, प्रसन्नता भी संतुष्ट रहना, कभी कुछ लोग घाई घाई करते रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, मेरा ये नहीं हुआ मेरा नहीं, यह सच्चे भक्त का लक्षण नहीं। तो सदा संतुष्ट, जो मिला दो रोटी में तो दो रोटी में ही संतुष्ट है, एक रोटी तो एक रोटी में संतुष्ट है, जो मिला उसी लाइफ स्टाइल से संतुष्ट है। यह जो संतुष्ट रहना और प्रसन्न रहना, यह भी धर्म का या भक्ति का एक लक्षण है। यह हम लोग उसको नहीं समझ पाते, हम सोचते हैं कि जो लोग गंभीर हैं वही धर्मात्मा है। तो स्वामी विवेकानंद ने बात को दूर कर दिया, उनके कई उदाहरण ने इसलिए दिए। फिर
किल्यानी का भी एग्जाम्पल हमने दिया। किल्यानी वह ओनासिस परिवार जो बहुत अत्यंत धनाढ्य परिवार, उसकी चार लड़कियों को देखने का काम उसका था किल्यानी का। बाद में जब बड़ी हो गई, जब लड़कियों की शादी हो गई, तो किल्यानी आकर के पेरिस में रुक गई। पेरिस में जिस समाचार पत्र में देखा तो एक लेक्चर है, तो ग्रेट्स नाम की जगह है पेरिस से कुछ दूर, वहां पर वो लेक्चर था स्वामी रंगनाथन जी का, तो लेक्चर सुनने के लिए गई। लेक्चर सुनने के लिए गई तो उस समय तक में उसने रंगनाथन महाराज का मैसेज उपनिषद ये पुस्तक भी पढ़ लिया था, और वास्तव से रामकृष्ण रामकृष्ण भी पढ़ लिया था। जब उनसे मिली तब उसने अपनी कहानी बताई तो रंगनाथन महाराज अभिभूत हो गए। कहानी इस प्रकार की है, वो ओनासिस परिवार की लड़कियों को देखती थी। ओनासिस परिवार अत्यंत, सब लोगों ने नाम सुना है, अत्यंत धनाढ्य व्यक्ति थे वे। उनकी चार कन्याएं थी, चारों कन्या का जब विवाह हो गया तब वो ये जो किल्यानी थी वो पेरिस में आकर के रहने लगी वृद्धावस्था में। 70 साल की उम्र में उसने वहां पर ग्रेट्स के हमारे फ्रांस के सेंटर में जाना शुरू किया। रंगनाथन महाराज से कहानी सुनाई, तब उसने यही कहा कि उनकी जो मालकिन थी मिसेज ओनासिस, उसने एक बार फोन किया, किल्यानी व्हाट इज द मैटर, आई हर्ड यू आर गोइंग टू द आश्रम, व्हाट हैज हैपेंड टू यू, इतनी चिंता में आ गई, मैंने सुना है कि तुम किसी आश्रम में जाना शुरू किया, क्या बात हुई। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई होगी, ऐसे तो कोई आश्रम जाता नहीं, किसने कुछ दुख आया होगा, कुछ विपत्ति होगी, बिना विपत्ति के बिना दुर्घटना के कोई आश्रम जाता नहीं है। तो उसके मन में यही साधारण रूप से कि प्रसन्न व्यक्ति भी आश्रम जा सकता है और आश्रम में जाकर भी प्रसन्न रह सकता है, यह कोई कल्पना ही बाहर के लोगों को नहीं। तो उसने ये सोचा कोई ना कोई विपत्ति ही होगी। उसने कहा ना आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। वो विश्वास नहीं कर पा, आश्रम में जाकर के हैप्पी, कुछ ना कुछ विपत्ति दुर्घटना। हमारे यहाँ जब संन्यास दीक्षा होती है तो संन्यास दीक्षा के समय वहां बेनी मठ में दीक्षा होती है, रामकृष्ण देव की जन्मतिथि के दिन ही रात को 4 बजे, वो सब होने के बाद फिर नियम के अनुसार 3 दिन मधुकरी के लिए जाना पड़ता है। वैसे तो हमारा सारा जीवन हमको मधुकरी करना चाहिए, भिक्षा मांग के चलाना है, पर हमारी लाइफ स्टाइल हमारी अलग हो गई है। अभी भगवान श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने बढ़िया व्यवस्था की, घंटी लगने पर खाना खाओ, खाने पीने रहने की बढ़िया व्यवस्था माँ शारदा ने गया धाम में श्री रामकृष्ण को प्रार्थना करके कर दी है, तो इसलिए वो नहीं है। परंतु एक नियम के अनुसार कम से कम जीवन में 3 दिन माधुकरी का तो थोड़ा सन्यासी को बनने के पहले तो पता पड़े माधुकरी क्या चीज होती है। तो उसमें नियम है कि 3 मकान से ज्यादा नहीं जाने का, कच्चा सीधा नहीं लेने का, पकाया हुआ भी अन्न लेने का, और वो बोलने का नहीं कुछ भी, घर में अंदर नहीं जाने का, घर के बाहर रह करके वह नारायण हरि बस इतना ही बोलना है। उसमें से कोई आकर के भिक्षा दे तो अलग बात है, ये तो आगे जाओ 3 मकान में से जो मिला वो लाना, ये नियम है। तो कोई कोई ब्रह्मचारी जब जाते हैं, वो ब्रह्मचारी मतलब नए साधु बन गए, उसी दिन साधु बने गेरुआ वस्त्र पहन करके, तो उस समय वो शर्ट तो पहन नहीं सकते हैं, बिना कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। जो भी हो तो जैसे ही गए वो झोली लेकर के वो नारायण हरि करके खड़े रहे, तो अंदर से महिलाएं आती है, देखा यंग लड़का, क्योंकि यंग लोगों को ही हम लोग संन्यास देते हैं, तो 9 साल तक भले ट्रेनिंग फिर भी हो फिर भी तो यंग ही रहेगा, 25 साल की उम्र में आएगा तो यंग ही रहेगा 9 साल के बाद भी। तो देखा यंग है लड़का, इतना अच्छा लड़का दिखने में, रोने लगती है कोई कोई दीक्षा दीक्षा देते से, क्या हो गया था, मतलब मानो माँ मर गई थी, पिताजी मर गए थे, क्या हो गया था, संन्यास ले लिया। अरे ये साधारण रूप से ये धारणा है किसी ने संन्यास लिया कि जरूर कुछ ना कोई दुर्घटना हो गई, तो इसलिए हम भी जब जाते हैं ट्रेन लेवल में, क्या हो गया था,
इसने किया, ये बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई मेरे जीवन में। क्या दुर्घटना घटी? दुर्घटना ये थी कि मैं रेलवे स्टेशन गया, हाँ फिर अचानक मेरे हाथ में सामने का कि पुस्तक आता ही बस तब से मेरा जीवन बदल गया। बोलना तो पड़ेगा दुर्घटना क्या हुई थी। तो सब लोग ये आते क्या दुर्घटना, कौन मर गया था, एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया, अचानक संन्यास ले लिया, और कोई मान लो किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसे पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं, सभी जगह फेल हो रहा है, ये भी फेल हो रहा है, चलो भाई साधु बन गया तो कुछ खा के मिले तो ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी एकदम से साधु बन गया, जरूर कुछ ना कुछ दुर्घटना घटी। ये एक प्रकार के तो मिसेस ओनासिस ने वो गिलियन को फोन किया, क्या हो गया, आश्रम जाना शुरू कर दी, बात क्या है, फोन में कुछ, अरे कोई बात नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, नहीं कुछ तो हुआ होगा, आश्रम क्यों जाना शुरू, अरे आश्रम तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, आश्रम में कभी आनंद आ सकता है, इनकी धारणा ही नहीं है, आश्रम में कभी आनंद भी आ सकता है। तो ये बाहर के लोगों को यही धारणा। फिर उसने गंगा के मन बताया तो मैं कैसे उसको समझाऊं, 70 साल की उम्र में मैं यहाँ आश्रम आई हूँ, कितनी आनंद में है, केवल एक ही मुझे गम है, पहले क्यों मैं नहीं आश्रम में आई, इतनी जिंदगी मैंने क्यों व्यर्थ गवा दी, पहले शादी तो और कितना आगे बढ़ जाती है अध्यात्म की। फिर गंगा के मन को कहा कि मेरे नाम का अर्थ बताइए, किलियारी नाम का तो अर्थ कुछ होता नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर तुमको नया नाम देता हूँ कल्याणी, कल्याणी का मतलब होता है जो दूसरों का कल्याण करे, वो बहुत खुश होगी, और उसका नाम हो गया अभी कल्याणी, किल्याणी से कल्याणी, वो कल्याणी की कथा, तो हमने लास्ट टाइम उसके बारे में बताया था। तो मुख्य बात है ये भी भक्ति का एक लक्षण है, भक्त का सच्चे भक्त का लक्षण है कि वो संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है वही दुखी रहता है, तो फिर वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों? भगवान है रस में, भगवान है आनंद में, स्वामी विवेकानंद यही कहा था हम आनंद के संतान है, निरानंद क्यों रहेंगे, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, हम लोग आनंद के संतान है तो हम क्यों दुखी रहेंगे, हम क्यों मुंह लटकाए रहेंगे, क्यों हम आनंद में नहीं रहेंगे। तो यह जो लक्षण, ये सभी लक्षण के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि वह सर्वभूतानां समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित है, किसी से द्वेष नहीं उसको, मित्रभाव युक्त है, ये जो द्वेष रहित और मित्रभाव युक्त ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है, ज्ञानी विद्वंत रहता है, अनासक्त रहता है, कर्मयोगी अनासक्त रहता है, निर्ममता रहता है, ममता रहता है, परंतु विशेष करके मित्रभाव दयालु ये दो गुण हैं वो भक्त में एक्स्ट्रा है। तो ममत्व मित्रभाव युक्त रहता है, दयालु रहता है, ममत्व बुद्धि रहित रहता है, अहंकार शून्य रहता है जो सच्चा भक्त है। क्यों? जब भगवान का अहंकार के साथ उसका अहंकार मिल जाता है, छोटा आमी काचा आमी पाका आमी, श्री राम के कहते कच्चा मैं और पक्का मैं, कच्चा मैं अमुक 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 ऑफिसर हूं ये कच्चा मैं, भगवान का भक्त हूं ये पक्का मैं, ये पक्का मैं उसमें जब आ जाता है तो अहंकार वो जो छोटा कच्चा अहंकार चला जाता है। सुख और दुख में संभाव अपन रहता है, क्यों क्यों संभाव अपन रहता है, इसलिए कि उसको मालूम है जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो तो सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, मंगल में प्रभु मेरा कभी अमंगल नहीं करे, यदि मेरी उंगली आज कटी है उसके पीछे भी भगवान का कुछ ना कुछ मंगलमय हाथ है, यदि आज मुझे जेल में डाल दिया गया है उसके पीछे भी कोई ना कोई मंगलमय हाथ है। वो कहानी हमने बताई थी कि राजा की उंगली कट गई और प्रधान ने यही कहा भगवान की बड़ी कृपा है, मंगलमय प्रभु ने बड़ी कृपा की, राजा को बड़ा गुस्सा है मेरी उंगली कटी और तू बोलता है कृपा की, ना डाल दिया जेल में, जेल में जब उसको डाल दिया प्रधान ने यही कहा मंगलमय प्रभु ने मुझे जेल में डाला है, प्रभु सत्य में मंगल करते हैं अमंगल कभी नहीं करते, सुख और दुख में हमेशा भक्त अविचलित इसलिए रहता है उसको मालूम है सुख दिया है वो भी प्रभु ने दिया है, दुख दिया है वो भी प्रभु ने दिया है, प्रभु की कृपा से आज मुझे दुख है, इसके पीछे कोई ना कोई मंगलमय प्रभु का कुछ न कुछ मंगलमय कार्य छुपा हुआ है।
मुझे अभी पता नहीं क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, भविष्य में पता लगेगा। और फिर बाद में जब उसको बलिदान देने के लिए दिया, कपालिक लोगों ने देखा, अरे इसकी तो उंगली कटी हुई है, क्षत शरीर को तो बलिदान नहीं दे सकते। तो बोले अब इसको बलिदान नहीं देना है, छोड़ दिया। राजा ने सोचा इनको कहा था प्रधान ने बिल्कुल ठीक कहा था, आज यदि उंगली नहीं कटी होती मेरा सिर कट जाता। तो मंगलेश ने तो ठीक ही कहा था, मंगल पर उन्होंने ठीक ही कहा था। फिर तुरंत प्रधान को छोड़ दिया, बोले मुझे क्षमा करना, तुमने जो कहा था वो ठीक ही किया, मुझे तुम्हारे मन में ईश्वर में विश्वास नहीं था, इसी कारण मुझे ऐसा मैंने ऐसा कहा था, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं, क्या? बोले ठीक है, मेरा तो ईश्वर में विश्वास नहीं था, तुम सदैव भगवान का नाम लेते रहे, तुम्हारी भगवान में इतनी श्रद्धा है, फिर भी भगवान ने तुमको परेशान किया, जेल में डाला। बोले वो भी मंगल में प्रभु ने मंगल किया। राजा आपको तो याद है जब जब शिकार के लिए आप जाते थे मैं साथ में जाता था, तो आपको तो छोड़ देते, मेरे को तो बलिदान दे देते, मेरे को बचाना था इसलिए जेल में डाला, आपको बचाना था आपकी उंगली का ही। भगवान जो करते हैं वो हमारे मंगल के लिए करते हैं, हमारी बुद्धि में वो समझ में नहीं आता। इसलिए सुख और दुख में भक्त हमेशा बिना विचलित वो आनंद में रहता है, सुख और दुख में संभावपन रहता है, समस्त प्राणियों के प्रति क्षमाशील रहता है। क्यों क्यों समस्त प्राणियों के प्रति क्षमाशील रहता है? क्योंकि मालूम है ये जो भी प्राणी है सभी भगवान की सृष्टि है, भगवान ने बनाया है, उसके पीछे कोई ना कोई भगवान का कोई मर्म है, भगवान का कोई हेतु है। तो मैं जब ईश्वर का भक्त हूँ तो मैं कैसे उनको पीड़ा दे सकता हूँ? ये अपने आप क्षमाशीलता आ जाती है। लाभ और हानि में सदा प्रसन्न रहता है। लाभ में तो प्रसन्न कोई भी रह सकता है, हानि में प्रसन्न केवल भक्त रह सकता है। सच्चा जो भक्त रहेगा हानि के समय भी प्रसन्न रहेगा, यही तो भक्त का लक्षण है। नहीं तो कोई भी प्रसन्न होगा, लाभ में तो कोई भी संसारी व्यक्ति भी प्रसन्न नहीं, पर जब हानि हुई तो इसके पीछे भी मेरे मंगलमय प्रभु का कुछ न कुछ मंगलमय हाथ है, कुछ न कुछ कृपा है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। आज मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इस हानि क्यों मुझे हानि हुई, क्यों यह मुझे लॉस हो रहा है, ये भले समझ में नहीं आ रहा है, पर वो सदा प्रसन्न इसलिए रहता है कि भगवान ने भगवान की कोई ना कोई इसके पीछे मंगलमय वह सूचना है, इसलिए वह प्रसन्न रहता है। लाभ रहने में सदा प्रसन्न भ्रम रहित रहता है। भ्रम रहित इसलिए रहता है कि जब उसने प्रभु के प्रति उसकी में भक्ति जब आ गई है, श्रद्धा का अभिवेश हो गया है, तो सारे भ्रम भगवान ही उसके भ्रम को दूर कर देते हैं। संयत स्वभाव वाला रहता है इसलिए क्योंकि जब उसको सब कुछ जब भगवान को अर्पण करके खाना है तो अपने आप वो संयम आ जाता है कि नहीं भगवान को मैं दे सकता हूं, ये भगवान को ऑफर किया जा सकता है। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास ही रहता है जो सच्चा भक्त रहता है, बिना विश्वास के भक्ति नहीं आएगी। तथा मन और बुद्धि को पूर्णतया मुझे अर्पण करने वाला है वह मेरा प्रिय है। मन और बुद्धि को पूर्णतया मुझे अर्पण करता है, मन को अर्पण करना मतलब मन से भगवान का नाम लेना, बुद्धि को अर्पण करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बुद्धि हमेशा यही सोचती है कि मेरे को भगवान से थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान है, थोड़ा सा। जब मैं कई युवक लोग मेरे पास काउंसलिंग के आते हैं तो उनको ये देखता हूं, अच्छा बहुत प्रकार के क्यों ऐसा भगवान ने किया मेरे साथ, ऐसा क्यों देखो, सब सुनने के बाद अच्छा भगवान में विश्वास है, हाँ विश्वास है। दूसरा प्रश्न, क्या आपको ये भी विश्वास है कि भगवान के पास थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी बुद्धि है ना, एकदम बुद्धि ही है ना, बुद्धि तो मुझसे ज्यादा है। ये दो बात स्वीकार करने के बाद कोई प्रॉब्लम रहता ही नहीं। तो भगवान के पास जब मेरे से ज्यादा बुद्धि है तो अपनी छोटी बुद्धि के द्वारा ये समझने का प्रयत्न मत करो कि भगवान ने अपनी बुद्धि के द्वारा क्यों ऐसा किया, क्यों इसका प्रश्न का उत्तर भगवान ही दे पाएंगे। क्यों? तो
तुम्हारे पास कम बुद्धि है, भगवान के पास ज्यादा बुद्धि है, उन्होंने अपनी बुद्धि से जो कुछ भी किया, यदि तुमको लगता है कि वो बुद्धिमान है, इतना ज्यादा मूर्ख नहीं है, थोड़ी सी बुद्धि है उसमें, तो वो मूर्ख का पूर्ण काम नहीं करेगा, इतना विश्वास है। सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि ये बात हम समझ में आ जाए, ईश्वर है, एक परम शक्ति है, दूसरा उसके पास भी थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी बुद्धि तो है, एकदम मूर्ख नहीं है वो, एकदम इडियट नहीं है, थोड़ी सी बुद्धि है। और सच कहा जाए तो हमारे पास जो है वो छोटा सा कंप्यूटर है, उसके पास सुपर कंप्यूटर है। वो जो सुपर कंप्यूटर में जितनी मेमोरी है उतनी मेमोरी हमारे पास नहीं है, इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे इस कंप्यूटर के द्वारा हम समझ नहीं सकते। इस बात को कुछ स्वीकार करना पड़ेगा कि उसके पास सुपर कंप्यूटर है, हमारे पास ऑर्डिनरी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर की मेमोरी ऑर्डिनरी कंप्यूटर में नहीं आ सकती। इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, सभी प्रश्नों का हल हो जाता है। पर हम तो ये सोचते हैं कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, उसके पास छोटा कंप्यूटर है, या कंप्यूटर है नहीं, या उसका कंप्यूटर फेल है, या उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके कंप्यूटर में। तो मेरा सुपर कंप्यूटर है, मैं जो समझता हूँ वही चीज़ है, और मेरे से ऊपर इस दुनिया में कोई ज़्यादा बुद्धिमान है ही नहीं, और इसलिए मैं ये शुरू कर सकता हूँ कि हम जज बन जाते हैं भगवान को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, किस प्रकार का प्लानिंग करना चाहिए था, ये पूरा का पूरा विश्लेषण करके भगवान को भेजते हैं, ये समझ करके शायद अभी उनका कंप्यूटर चालू हो गया होगा। तो हम लोग बिना सेल्फ अपॉइंटेड काउंसलर एंड कंसल्टेंट टू गॉड, सेल्फ अपॉइंटेड, उन्होंने हमने खुद ने अपॉइंटमेंट अपना ले लिया, और भगवान को हम लोग सलाह देते हैं तुमको ये करना चाहिए था, तो इस समय तुमको ऐसा करना चाहिए था, इसके बदले तुमको ऐसा करना चाहिए था। तो भगवान ने गलती तो की है तुमको पैदा करके, बात तो पक्की है कि उन्होंने इतनी सारी बुद्धि दे दी, लेकिन ये सोचने लग गए कि भगवान में बुद्धि नहीं है, तो ये भी भगवान की गलती तो है। तो जो भी होगा, जो सच्चा भक्त रहता है वो भगवान के ऊपर उनकी इतनी श्रद्धा है कि मेरे से ज्यादा बुद्धि भगवान के पास है, इसलिए अपनी बुद्धि नहीं लगाता है, भगवान के किसी कार्य में अपनी बुद्धि को नहीं लगाता है, बुद्धि को भी वो भगवान को समर्पित करता है, मन को भी समर्पित करता है, मन से भगवान का नाम लेता है और बुद्धि को भी समर्पित करता है। ये सभी लक्षण सच्चे भक्त के बनाए। तो सच्चा भक्त होना बहुत कठिन है, सीधो डिवोटी होना सरल है, किसी को बताना कि मैं भक्त हूं सरल है, उसमें बहुत कुछ ज्यादा करने का नहीं है, एक तुलसी की माला, थोड़ा सा सिर यहाँ पर कपाल में थोड़ा चंदन, हरे राम हरे कृष्ण की चादर फोल्ड करके, और मुख में राम बगल में छुरी, ये हो सकता है, किसी को भी आप बेवकूफ बना सकते हैं। परंतु भक्त दिखना सरल, भक्त बनना कठिन, ये सब लक्षण बताए। ये लक्षण आएंगे तब समझना हम सच्चे भक्त बने हैं। ये एक टेस्ट हो गया, टेस्ट हाउ टू नो आई एम ए रियल डिवोटी ऑफ गॉड, तो उस टेस्ट बताए, परीक्षा, ये खुद ही परीक्षा करने की, खुद ही परीक्षा करने की, दूसरे को दूसरे की परीक्षा आप नहीं ले सकेंगे। बाहर से देखने से बाहर तो बहुत अच्छे से भक्त लगते हैं, बहुत अच्छे भक्त लगते। अभी वहीं पर धर्म के नाम पर चर्चा थी, इसलिए वो उसके बाद में कुछ न्यूज़पेपर वाले आए इंटरव्यू लेने के लिए, हमने कहा भाई हम इंटरव्यू नहीं देते हैं, इंटरव्यू लेना हो तो हमारे हेडक्वार्टर में जाओ, छोड़ नहीं रहा था। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, तुम बुद्धिमान हो, तुम समझना हो समझ लेना। अभी आजकल जो बहुत सारी चर्चा चल रही है, बोले हम वो सब बातों में हम लोग कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, सब आपको हेडक्वार्टर से पूछना पड़ेगा, मैं आपको कहानी श्री राम को भी बता सकता हूँ, उसमें से तुम जो समझना समझ लेना, बुद्धिमान समझ लेना। कोई श्री राम की कहानी बताई कि भाई ये चार सेल्समैन थे और सोने चांदी की दुकान थी, और सभी लोग वहीं आकर के अपना गहना दे जाते थे, वो यही सोचते थे कि भाई इतना धार्मिक व्यक्ति है, ये दुकान वाले सभी धार्मिक हैं, तो यहाँ पर हम लोग का सोना जो है वो सुरक्षित रहेगा, और इसलिए वहीं पर
अपने गहने बनवाते थे। श्री रामकृष्ण कहते देखो बाहर के भक्त हो भी तो हो भी मौका हो भी कहना भक्त बनो बेवकूफ मत बनो, भक्त होना बहुत अच्छा है बेवकूफ मत बनो, बुद्धिमान बुद्धिमान भक्त बनो, अपनी बुद्धि को गिरी मत रखो, भक्त बनो, भक्त हो भी तो होगी मौका हो भी कहना बंगला में कहते थे। स्वामी योगानंद जी महाराज को भेजा था कड़ाई जाने में, तो उसने वो व्यापारी के साथ बातचीत की, व्यापारी ने भगवान की सब बातें करने लगे तो उसमें इतने प्रसन्न हो गए तुरंत कड़ाई लेकर के आ गए। बाद में देखा तो कड़ाई में तो छिद्र था, श्री रामकृष्ण उनको डांटा अरे देखकर के कड़ाई क्यों नहीं रहा, बोले नहीं वो तो बहुत अच्छा आदमी था, मुझे लगा कि वो तो मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा कि भगवान की बड़ी बातें करता था। अरे वो वहां व्यापार करने बैठा है ना, भक्ति करने बैठा है, वो तो व्यापार करने बैठा है तो तू इसकी बातों में क्यों आ गया। और फिर मार्केटिंग मैंने पूरा सिखाया कैसे क्या, जब भी तुम शॉपिंग करने जाओगे तो सबसे पहले वो जो वस्तु है उसको ठीक से देखना, क्वालिटी चेकअप करना, क्वालिटी ठीक है कि नहीं। फिर दूसरा कम से कम 3 जगह पर इंक्वायरी करना कि रेट ठीक है या नहीं, प्राइस उसका भी उन्होंने दिया। फिर उसके बाद भी नहीं कि देखना कोई गिफ्ट स्कीम है या नहीं, उसके साथ पुरानी कुछ देता है कि नहीं, एक्स्ट्रा कुछ मिलता है कि नहीं, वो भी चेकअप कर लेना। ऐसा करके अच्छी सी क्वालिटी का आइटम खरीदना, जहाँ से कम दाम में मिले, अच्छी सी क्वालिटी मिले ये देखना, और साथ में गिफ्ट स्कीम हो पुरानी मिलती हो तो उसको छोड़ना मत। इतना बढ़िया प्रैक्टिकल गाइडेंस रामकृष्ण देव योगानंद जी महाराज को दिया, मैं शॉपिंग का मार्केटिंग मैनेजर, तो तब उन्होंने यही कहा था भक्त हो भी तो हो भी मौका हो भी कहना, भक्त बनेगा बेवकूफ क्यों बनता है, बेवकूफ क्यों बनता है। तो यही उन्होंने बताया कि वो कुछ लोग वहां पर आकर के उसी दुकान में सुना जाए, बोले जानते हो ये जो सोना चांदी की दुकान थी वो चारों सेक्शन क्या करते थे, एकदम बहुत बड़ा कपाल में ये लगाते थे, तिलक लगाते थे और तुलसी की बड़ी माला पहनते थे, हरे राम हरे कृष्ण की चादर पहनते थे और केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम जोर जोर से लेते थे। सब लोग को लगता था इतना बड़ा भक्त है तो उसके पास ही सोना देते। श्री रामकृष्ण का नहीं है ऐसा, बाहर के वेश से तुम यदि बेवकूफ बनते हो तो तुम्हारी बेवकूफी है, बाहर के वेश से तुम्हें तुमको बुद्धि नहीं दी भगवान ने तो टेस्ट नहीं करोगे, बस उस भागाव में आ गए, भक्त को समझ गया भक्त है, मालूम है उसका कोड वर्ड जो पहला आदमी बोलता है हमेशा बोलता है केशव 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 केशव, दूसरा क्या बोलता है गोपाल गोपाल गोपाल, तीसरा क्या बोलता है हरि हरि हरि, चौथा क्या बोलता है हर 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 हरि, सभी लोग भगवान का नाम ले रहे हैं और सब लोग अपना सोना चांदी दे जाते थे गहना बनाने के लिए। तब भगवान राम के लिए अरे ओल्ड लैंग्वेज है जो कहता है केशव केशव ने केशव केशव ये सब कैसे हैं, तो दूसरा बोलता है गोपाल गोपाल एकदम गोपाल के समान भोले भट्ट हैं, तो बोले हरी हरी तो उनके गाने हरण कर लू, हर हर एकदम हरण कर ले बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं एकदम भोले भट्ट, इनकी कोड लैंग्वेज है। और तुम जाकर के उन्हें फंस गए तो यही कहानी मैंने वो प्रेस रिपोर्ट को बताया, बोले इसमें से समझ जा तुम अपना संदेश ले लो यही गड़बड़ कहां है, अरे वो लोग तो अपना धंधा करने बैठे हैं ठीक है पर तुम क्यों जाते हो, अपनी बुद्धि को गिरवी रख करके बुद्धि को साथ में रखो टेस्ट करो, कोई भी दुकान खोल दिया चले गए वहां पर तो तुम्हारी गलती, बुद्धि भगवान ने क्यों दी है। तो श्री रामकृष्ण जी ने कहा था भक्त हो भी तो भी मूर्खा हो भी कहना, तो ये यहाँ पर जो लक्ष्य में ये भी बताया है कि वह जो सच्चा भक्त रहता है वह बुद्धिमान भी है, केवला कांत नहीं है, बंगला में एक बहुत अच्छा शब्द है केवला कांत, इसी गुजराती में लबाड़ कोई काम का नहीं एकदम निकम्मा, ये जो भक्त निकम्मा नहीं है केवला कांत नहीं है,
बुद्धि वाला है, परंतु भक्ति करता है तो साथ साथ में उसके पास बुद्धि भी है। ऐसा नहीं कि उसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन नहीं है, या ही इज नॉट इम्प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है। वो प्रैक्टिकल बुद्धि आवश्यक है। तो इसी प्रकार से और भी लक्षण, बहुत अच्छे से लक्षण और भी बताएंगे, इसी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज ये समाप्त करें।